Well, as of now, Prime Minister Narendra Modi is addressing the Bhutanese parliament. विश्व का आज मानव है और खास करके पिछली एक शताब्दी सत्ता का विस्तार राजनीति का केंद्रीकरण कभी कभी पिछली पूरी शताब्दी इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी हुई लेकिन भूटान अपवाद से जुड़ा भूटान में विश्व में एक तरफ सत्ता के विस्तार का और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था भूटान में लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का विश्व के कई भूभागों में सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त विश्व के कई भूभागों में शिशु के ही सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं की विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति तब भूटान ने बहुत ही उत्तम तरीके से लोक शिक्षा के माध्यम से जन मन को धीरे धीरे तैयार करते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया सात वर्ष लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है सात वर्ष के भीतर भीतर भूटान ने संवैधानिक मर्यादाएं लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के अंदर दे तो सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त नागरिकों की तरफ से स्वयं शिस्त राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त और स्वयं राज परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त ये अपने आप में वो खुर्सू के खतु लेते उदाहरण के रूप में आज सात साल के भीतर भीतर यहाँ का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नागे मांसु की रिंग यहाँ के संसद की गरिमा तरी नागे चिसो की रिंग जन प्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानवी की आस्था चिरतांगी मीमांसु बढ़ रही है कार मैं इसे कौने कौफे पे देनो शुभ संकेत मानता हूँ सत्ता परिवर्तन होना ये अपने आप में यहाँ के नागरिकों की जागरूकता का मीमांसा की जहाँ है वहां से अच्छा करने के लिए खाते बिरो लेजिव जोनी की तंदलो ज्यादा अच्छा करने के लिए जवाबदेही तय करने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए लोकतंत्र भारत में भी जगा लो ये भी चुनाव हुआ है तातो मचेगी भारत के लोकतंत्र की
चार के विश्व के सभी देशों के लिए एक जामुलिंगे नालुकारल पूरा यूरोप और अमेरिका खाते यूरोप ता अमेरिका दोनों के लोग मतदाता है उसे ज्यादा एक लोकतंत्र है पाकिस्तान में मतदाता है इतना बड़ा विशाल तेजुम बरन नम समझ जाते तो कि हेमा की 60 साल के इतिहास में पहली बार दो दिंगी हेमा लेके लोचित जिसम चार की परंपरा साथ भी में शासन में थे ऐसे दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ भारत सेवा की जनता के अंदर लो सोगेन माशू सुख ना ये लोकतंत्र की ताकत है दिल और इस पूरे भूखंड में चीजों की लोकतांत्रिक की शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी मांसो की तपशु कदचीर लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना अधिक कारगर ढंग से होगी उपखंड की शांति के लिए उपखंड के विकास के लिए और उपखंड के गरीब से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए कार भारत ने भारत के नागरिकों ने जवाहर की मीमा की गुड गवर्नेंस के लिए लेने जुंचों की जनादेश दिया है और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे तथो कि भारत जितना सशक्त होगा भूटान लेकिन भारत के सशक्त होने से भारत के समृद्ध होने से जहाँ जो इस पूरे भूखंड में और विशेष करके भलाई के लिए संपन्न होना आवश्यक अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहां जाएगा पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाती है पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना In fact, Prime Minister Narendra Modi over there addressing joint session of the Bhutan Parliament, he says that he feels privileged to address them and that it's also commendable how the royal family has protected the rights of citizens. Speaking over there, he said that energy security will be a key issue in the coming years. Apart from that, on Sunday actually, he had inaugurated the Supreme Court building in Bhutan that's been built with Indian assistance. He's also now promised increasing educational contacts and suggested doubling of scholarships being provided to Bhutani students in India. When our new government came,